हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की इस वीडियो में SSSC अगस्त एग्जाम को लेकर बात करेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में लिखा है, व्हाट्सएप पर मैसेज किया है कि सर, हमारा SSSC अगस्त एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कैसे डाउनलोड होगा। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं एडमिट कार्ड न डाउनलोड होने का। पहला रीजन हो सकता है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत हो सकता है, आपका DOB रॉन्ग हो सकता है। अगर आपका DOB रॉन्ग है तब भी आपका डाउनलोड नहीं होगा। अगर आप DOB को सही फॉर्मेट में नहीं फिल करोगे तभी आपका डाउनलोड नहीं होगा। जैसे मान लिया किसी का डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई, है ना, 10/7/1992 किसी का डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको कैसे फिल करना है, 10 उसके बाद में JUL लिखना है और 1992 लिखना है। ये एक सही फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में लिखोगे तब तो आपका वहाँ पर DOB मान्य हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉर्मेट आपका गलत है। तो एप्लीकेशन नंबर और DOB आपको सही फिल करना है, उसके बाद भी डाउनलोड हो तो एक बार अपना ईमेल चेक कर लेना है। बहुत सारे बच्चों के पास में ईमेल आया है कि उनका SSSC अगस्त का जो एग्ज़ाम है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है नेक्स्ट मंथ के लिए। यानी अगस्त का जो एग्ज़ाम होने वाला था इसको अब कैरी फॉरवर्ड करके September 2022 में भेज दिया गया है। यानी अगर आपका भी एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला था और अगर आपका कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है सितंबर के लिए तो भी डाउनलोड नहीं होगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक मैसेज जो ईमेल आया है बच्चों के पास में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो SSSC अगस्त का एग्ज़ाम है उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया गया है सितंबर एग्ज़ाम के लिए। इसका कारण क्या था? कारण ये है कि सेंटर इस्टेब्लिशमेंट ना हो पाने की वजह से आपका एग्ज़ाम को नेक्स्ट मंथ के लिए कैरी फॉरवर्ड किया गया है। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ मेल आया है जिसमें लिखा है कि नेक्स्ट मंथ के लिए एग्ज़ाम आपका कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो भी आपका डाउनलोड नहीं होगा और आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगले मंथ जब आपका सितंबर का एग्ज़ाम होगा तब आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको सही से डिटेल्स अपनी फिल करनी है और डाउनलोड करेंगे तो निश्चित आपका डाउनलोड हो जाएगा। जिनके पास में एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आपके पास ईमेल, जब आपने फॉर्म फिल किया होगा वहाँ पर ईमेल आपने डाला होगा उस पर भी मेल आता है, आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर भी एक मैसेज आता है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपके पास हार्ड कॉपी है तो उस पर आप चेक कर सकते हैं कि क्या एप्लीकेशन नंबर है और कौन सा आपका डेट ऑफ बर्थ है। कई बार ऐसा होता है जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो बाई मिस्टेक डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत हो जाती है, और जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो जो आपके रियल है वो आप डालते हैं, तब भी मिसमैच हो जाएगा और वहाँ पर डाउनलोड नहीं होगा। तो सबसे बेटर ये है कि आपको हार्ड कॉपी चेक कर लेना है, उस पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा गया है वही आप फिल करेंगे तो निश्चित आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो क्यों नहीं डाउनलोड हो रहा है, और जिनका हो गया है तो आप सभी को अब अच्छे से तैयारी करनी है। जो भी शेष समय बचा है 25 से 31 के बीच में आप सबके एग्ज़ाम होने हैं, और अगर आप सभी SSSC एग्ज़ाम के लिए ई बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी ई बुक का लिंक मिल जाएगा, आप इस ई बुक को ले सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को एक तो दो ई बुक यहाँ पर मिलेंगी, एक 1500 क्वेश्चन की ई बुक होगी, इसमें 1500 रैंडम क्वेश्चन होंगे, और एक आपकी चैप्टर वाइज ई बुक होगी। ठीक है, चैप्टर वाइज ई बुक होगी, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोनों ई बुक को आप सभी अभी 99 रुपीज़ में ले सकते हैं, तो यहाँ पर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये दोनों आपको एक साथ में मिल जाएंगी 99 रुपीज़ में, तो एक कम्बो पैक है, आप इसे ले सकते हैं। और जैसे ही आप बाय करेंगे, पेमेंट करेंगे, उसके बाद तुरंत ये आपके पास मेल आ जाएगा, वहाँ पर डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको डाउनलोड लिंक नहीं मिल पाता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9452299436 पर, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो इसका ई बुक है वो आपको सीधे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको इस नंबर के थ्रू ई बुक को प्रोवाइड करा देंगे। ओके।